हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कुसुम स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कुसुम पहाड़ी में। तो दोस्तों, आ गई हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ और वीडियो की शुरुआत हो रही है आज सुबह सुबह 7:30 बजे। तो चलो सबसे पहले दिखा देते हैं आपको चंबा का मौसम। किसी की सुबह हो ना हो, इनकी सुबह तो 4 बजे हो जाती है। देखो तो बच्चे हो गए स्कूल के लिए तैयार और यहाँ पे ये नाश्ता कर रहे हैं। टोको हाय, टोको हाय। तो दोस्तों, अभी मिल रही हूँ मैं आपको सीधा दिन में। तो अभी बना रही हूँ खाना। तो आज बन रहा है खाने में चौंसा और भात। ये चौंसा बन रहा है हमारा। तो अभी बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, तो जैसे बच्चे आते हैं खाना खा के उसके बाद करती हूँ फिर सिलाई। तो आज मैं एक अच्छी सी डिजाइन वाली ड्रेस बना रही हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना आपको कैसी लगती है ड्रेस। तो दोस्तों, अभी मिल रहे हैं सीधा खाना खाने के बाद। और आज इनकी तो नई बीमारी ला रखी है यहाँ कुछ। ये देखो उड़ा, तो उड़ा उड़ा उड़ा। टुकु देखा कैसे उड़ते है? कैसे उड़ते है? उड़ा के दिखाओ। इसका नहीं फूल रहा। अच्छा, ये मेहमान जान रही है तो यहाँ पे आजकल मेहमान आ रखे हमारे यहाँ। ये है मेरी जेठी माँ। हेलो बुआ जी, बहुत दिन से दिखाई दे रहे हो आजकल आप वीडियो में। हाँ जी, आ दो। हाय। क्या कर रहे हो? आज हम बलून्स बना रहे। उड़ा भाई। जरा किसकी है इतनी छोटी छोटी? मेरे मेरे छोटे छोटे जरा रहेगी तो जान। तो दोस्तों, ये है आरुषी के लिए जो हमने कपड़ा ले रखा है। ये कुछ इस टाइप का है और इसका हम बनाएंगे गाउन। तो आरुषी बताएगी कैसे कैसे बनाना है। बता तो कैसे बनाना है इसका, बता गला कैसे बनाना है, कैसे गोल बताना। ऊपर से बंद और उसके बाहर से जैकेट कैसे, कितने तो वैसे तो इसने पूरा तय कर रखा है कि ऐसे ऐसे बनाना है, लेकिन अभी वीडियो में नहीं बोल रही है। तो चलो इसका नाप लेते हैं। और ये ले रखा है मैंने 2 मीटर कपड़ा और इसके साथ ये अस्तर ले रखा है। तो ये 1.5 मीटर ले रखा है। तो देखते हैं कितनी बनती है, क्योंकि ये वाला कपड़ा 2 ही मीटर बचा हुआ था वहाँ, तो मैं पूरा ले आई। देखते हैं कैसे बनता है। पहले कटिंग करते हैं तो कितना घेर आता है इस पर, उसके बाद ही पता चलेगा। ये देखो, तो चलो पहले हम इसका नाप ले लेते हैं और इसकी कटिंग करते हैं। ये ड्रेस क्यों बना रहे हैं हम? बर्थडे। इसका बर्थडे आने वाला है तो इसके लिए हम ड्रेस बना रहे हैं। चलो सबसे पहले इसका नाप ले लेते हैं।
डब्बा का बाजू कितने बनाने हैं? बाजू इतने छोटे लंबे बना दे इतने इतने बनाएंगे बाजू इतने इतने बनाएंगे तो अभी मैंने इसका नाप ले लिया है अब तो जा सकती है बाय बाय। अब मैं इस कपड़े की कटिंग कर देती हूँ और सिलते हैं इससे गाउन। तो अभी मैंने ये कपड़ा चार फोल्ड में बिछा दिया है तो इसमें से मैं निकालूंगी कली वाले गाउन की कटिंग कर रही हूँ मैं तो इसमें से कली निकालूंगी मैं। तो सबसे पहले इसकी लंबाई देख लेते हैं। गाउन की कटिंग और ये है आठ कलियां इसके, ये इसके बाजू हो गए और ये ऊपर की चोली हो गए। तो अभी कटिंग करते करते तब तक भाभी भी आ गए, ये अपना सूट काट रहे हैं। वो दिखा दें जरा, वो हेलो ये कटिंग कर रहे हैं यहाँ पे और दूसरे कमरे वाले क्या कर रहे हैं, इनकी यहाँ पढ़ाई चल रही है, ये अपना काम कर रहे हैं। सब बिजी बिजी लोग हैं यहाँ पे। हेलो फाड़ दी, कैसे फाड़ा? अब मैं उनके डंड खाएगा। हाय अभी बिजी हूँ, काफी ऑफिस का काम कर रहा हूँ, ये काफी बिजी हो रखे हैं अभी। चलो अभी सिलती हूँ मैं वो वाला गाउन और दिखाती हूँ आपको कैसे कैसे लगता है सिल के। तो दोस्तों सिल लेती हूँ मैं इसको और सबसे पहले मैं इसकी कलियां जोड़ रही हूँ। तो इसकी आठ कलियां हैं तो इसमें चार आगे आएंगी और चार पीछे की तरफ। तो ये पहले मैं दो बना देती हूँ इनके। इसका नीचे का घेर और इस पे काफी अच्छा घेर आ रहा है और अभी मैं ऊपर का बना लेती हूँ। तो दोस्तों फाइनली हमारी ड्रेस बन के तैयार है और ये है कुछ इस टाइप की, ये कुछ इस टाइप की लग रही है। इसमें ये आगे से खुला रहेगा और इसमें पीछे से लगेगी चेन, तो अभी तो मेरे पास है नहीं तो इसमें कल लगा दूंगी मैं इसमें चेन। और इसके साथ मैंने ये भी बना रखा है एक, तो ये इसके ऊपर से आएगा। तो दोस्तों मैं फाइनली दिखाती हूँ ये कैसे लगेगा। तो इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। इसके बाहर से ये वाली कोटी बना दी है और इसमें लटकन लगा रखी है, ये ऐसे लग रही है कुछ।
तो दोस्तों ये बना रखी है मैंने अपने बेटी के बर्थडे के लिए, और 6 तारीख को उसका बर्थडे है तो उस दिन पहनेगी इसको। अभी तो हम ऐसे ही दिखा रहे हैं, तो पहन के अब अगले वाले आने वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ये ड्रेस आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं कुसुम जल्दी मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।